जहां उपस्थित सभी महान भावों, पदाधिकारियों, कर्मियों, जवानों एवं आम नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज ही के दिन अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमारा संविधान सन 1950 में लागू किया गया था। आज हम स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो हमारे महान नेतृत्व आज़ादी के दीवानों के बलिदान से प्राप्त हुआ। हमारा संविधान हमें जहां मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं हम अच्छे नागरिक बने इसके लिए नागरिकों के कर्तव्य भी सुनिश्चित करता है। आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इन वर्षों में सरकार ने आम जनता के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए। आज़ादी के पहले हमारे देश में कल कारखानों का अभाव था। आज हम इन 73 वर्षों में दुनिया के 5 शक्तिशाली देशों में शामिल हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य के अतिरिक्त सैन्य व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में हम दुनिया के अग्रिम पंक्ति के देश माने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 से हमारी लड़ाई बहुत लंबे समय से जारी है। दुनिया में कोविड वैक्सीन सर्वप्रथम तैयार करने में हमारे वैज्ञानिक अव्वल रहे हैं। हमारी सरकार की सोच का ही नतीजा है कि देश के करोड़ों लोगों को कोरोना वैक्सीन की हम कम से कम एक डोज लगा पाए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में इसका कार्य आगे भी किया जा रहा है। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011 लागू किया गया है, जिसमें निश्चित समय सीमा के अंदर नागरिकों को जानकारी एवं अनेक तरह के प्रमाण पत्र ससमय दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत सभी चिन्हित परिवार कार्डधारियों को प्रति माह 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। आपको ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री गरीब योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न प्रतिमाह दिया जा रहा है, जो देश की प्रगति एवं आज़ादी के कारण ही संभव हो पाया। साथ साथ अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी आम लोगों के जीवन उत्थान में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। सरकार ने शराबबंदी एवं नशा मुक्ति का कार्यक्रम चलाया है। शराब पीने को दंडनीय अपराध घोषित किया है। शराब के दुष्परिणाम से आप भी अवगत हैं। सरकार इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। कोरोना के गाइडलाइन का पालन हमें करना है। आप जानते हैं कि हमारे देश की ही नहीं विश्व की व्यापक समस्या है तथा हमें इसे हराना है। वैक्सीन है जरूरी, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी आदि बातें नहीं हैं, ये हमें सिद्धांत के रूप में एवं जीवन शैली के रूप में अपनाना है। हमेशा हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और किन्हीं को वैक्सीन अगर नहीं लगा है तो वैक्सीन लगाने के लिए अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्रों पर जाएं। हमें कोरोना की लड़ाई आगे भी लड़ना है। यह संकल्प लें तभी हम इसका पूर्ण खात्मा कर पाएंगे। हम भारत के लोगों को हमारे भारत पर गर्व है। जय हिंद।